हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे IBPS क्लर्क 2018 और बैंक PO मेंस एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये रियल क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस 2017 में पूछे गए हैं, तो इनकी मदद से आपको आइडिया लगेगा किस तरीके का ट्रेंड इस समय बैंकिंग एग्जाम्स में चल रहा है और किस तरह के क्वेश्चन की आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो क्लास को। और अड्डा 247 की बेस्ट टेस्ट सीरीज यदि आप लेना चाहते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पर, तो नीचे इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से इन सारी टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। इनको आप बैंक PO के लिए, क्लर्क के लिए, किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए आप ले सकते हैं, SSC के लिए और दूसरे सभी एग्ज़ाम के लिए इनको आप ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चन को। देखिए, एक क्वेश्चन है जो पूछा गया है 2017 में और एक ये सेंटेंस है, ठीक है, काफ़ी लंबा सेंटेंस है, 3 लाइन का ये सेंटेंस है और इसमें 2 एरर आपको बतानी है और वो 2 एरर का जो करेस्पॉन्डिंग पाथ होगा वो आपका आंसर होगा। ए में है एरर, बी में है, सी में है, डी में है, तो आपका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो ACBDBC इस तरीके से बनेगा, ठीक है, क्योंकि 2 एरर आपको देखनी है इसमें। तो अब हम पढ़ते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, इंडियंस नाउ नीड टू इसलिए सही है क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो इंडियंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो नाउन है वो कैसा है, प्लूरल नाउन है, इसलिए नीड में एस नहीं लगेगा, तो ये यहाँ पर सही है। इंडियन नाउ नीड टू फोकस देयर भी सही है यहाँ पर, क्योंकि इंडियंस की बात कर रहे हैं। देयर एनर्जीज भी सही है, देयर एनर्जीज ऑन, वी नीड टू फोकस आर एनर्जीज ऑन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। देखिए, जो रिफॉर्म्स होते हैं वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते हैं। इकोनॉमिक्स ये तो सब्जेक्ट का नाम लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स रिफॉर्म ना होते हुए ये होगा इकोनॉमिक रिफॉर्म, ठीक है। इकोनॉमी से संबंधित जो रिफॉर्म है उनकी हम बात कर रहे हैं, तो एक गलती आपकी यहाँ पर ये निकल के आ गई, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा धीमे धीमे आपको पढ़ना है और थोड़ा फोकस के साथ आपको पढ़ना है, तो एक तो इसमें आपका बी हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स रिफॉर्म नहीं होता, इकोनॉमिक रिफॉर्म होता है। दैट एबोलिशिंग मतलब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि इंडियंस नाउ नीड टू फोकस देयर एनर्जीज ऑन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। दैट मतलब इंडियंस को ऐसे रिफॉर्म्स पर फोकस करने की ज़रूरत है जो एबोलिश कर सकते हैं या कर रहे हैं, जो एबोलिश कर सकते हैं या करते हैं। तो दैट एबोलिशिंग नहीं होगा यहाँ पर, दैट एबोलिशिस या दैट कैन एबोलिशिस, ठीक है, तो दैट एबोलिश होगा यहाँ पर, दैट एबोलिशिंग नहीं होगा। दैट एबोलिशिंग का मतलब गलत निकलेगा यहाँ पर, या तो फिर ऐसे होना चाहिए दैट आर एबोलिशिंग, एक्चुअली इसका सेंस नहीं निकलेगा क्योंकि एबोलिश को नॉर्मली हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। एबोलिश का मतलब किसी चीज़ को हटाना या उसको रिमूव करना, तो ऐसे रिफॉर्म्स पर इंडियन लोगों को फोकस करना चाहिए जो एबोलिश करते हैं किस चीज़ को, पॉवर्टी को, और पेव द वे फॉर डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट का रास्ता दिखाते हैं, ठीक है, नॉट ऑन रिलीजियस वॉर्स। तो यहाँ पर एबोलिशिंग आप बोलेंगे तो इनअप्रोप्रिएट रहेगा ये, कि ऐसे रिफॉर्म्स जो एबोलिश कर रहे हैं, ऐसा कहना सही नहीं होगा, क्योंकि एक ये रिफॉर्म जो होते हैं वो एक फैक्ट होता है, वो इंडिकेट करता है यूनिवर्सल ट्रुथ को, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये एबोलिशिंग भी गलत हो गया, तो आपका एक तो बी और एक सी, ये 2 पार्ट में गलती है इसमें, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर थर्ड, बी एंड सी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, और ये रियल क्वेश्चंस हैं और रिसेंटली ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2017 एग्जाम्स में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है और फिलर का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी बैंक PO एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन क्लरिकल एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को यदि आप पूरा पढ़ेंगे, यहाँ से लेके इसको आप यहाँ तक पढ़ेंगे, तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि पास वाला जो सेंटेंस है, पास वाला जो वर्ड है, उसको आपको पढ़ना है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया से मिल जाएगा, चलो इसको पूरा पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या इसमें बोला गया है। द IPA विल परफॉर्म देयर रेगुलेटरी फंक्शंस बाय लेइंग डाउन डिटेल्ड स्टैंडर्ड्स एंड कोड्स ऑफ कंडक्ट। द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग, इंस्पेक्टिंग एंड इन्वेस्टिंग इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। देखिए, यदि किसी व्यक्ति को आपको मॉनिटर करना है, इंस्पेक्ट करना है और इन्वेस्टिगेट करना है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, उसको उस चीज़ को एनालाइज करने के लिए क्या करेंगे, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स इंक्लूडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन देयर परफॉर्मेंस। उनकी जो परफॉर्मेंस होगी उस पर इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन कीवर्ड दिया है यहाँ पर,
तो उसकी इन्फॉर्मेशन के साथ आप क्या करेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन को आप गैदर करेंगे, क्योंकि तभी तो आप उसको मॉनिटर, इंस्पेक्ट और इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर गैदरिंग सही वर्ड होगा। अब देखिए यहाँ पर चूंकि ऑफ लगा हुआ है तो इसलिए यहाँ पर आपको एक नाउन चाहिए, तो इसलिए इसमें आपको ऐसी एक आईजी फॉर्म की एक वर्ब चाहिए जो जो नाउन फॉर्म में हो, जो आईएनजी फॉर्म में हो। अब देखिए आईएनजी फॉर्म में इसमें केवल दो ही वर्ब हैं, ठीक है, प्रोहिबिटिंग का कोई सेंस नहीं बनेगा, प्रोहिबिटिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, प्रोहिबिटिंग के साथ ऑफ भी नहीं आता है। तो नाउन यहाँ पर गैदरिंग है, नाउन गैदरिंग यहाँ पर नाउन का काम कर रही है, और गैदरिंग यहाँ पर सही होगा, मतलब इन वर्ड्स में से गैदरिंग कहना यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इंक्लूडिंग गैदरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन देयर परफॉर्मेंस विद अ व्यू टू प्रिवेंट देयर मिसकंडक्ट एंड द क्वासी ज्यूडिशियल फंक्शन। क्वासी ज्यूडिशियल मतलब जो पूरी तरीके से ज्यूडिशियल नहीं है, जो पार्शियली ज्यूडिशियल है, क्वासी ज्यूडिशियल फंक्शन ऑफ टेकिंग। अब देखिए यहाँ पर भी एक क्लू मिल रहा है, एक्शन, देखिए जब एक्शन लिया जाता है वो हमेशा डिसिप्लिनरी होता है, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। जब कोई व्यक्ति कंपनी इसमें कोई गलत काम करता है तो उसको पिनलाइज किया जाता है, उसको सजा दी जाती है। तो एक्शन के साथ केवल डिसिप्लिनरी वर्ड ही जुड़ सकता है। यहाँ पर देखिए और कोई दूसरा वर्ड नहीं जुड़ेगा, सर्कमस्टेंसेज एक्शन नहीं बोल सकते, पेनिंग एक्शन नहीं बोल सकते, डाउनराइट एक्शन नहीं बोल सकते, एक्सप्लिसिट एक्शन नहीं बोल सकते, केवल डिसिप्लिनरी एक्शन ही बोल सकते हैं। तो ये दोनों वर्ड यहाँ पर आपके सही हैं। तो इस तरीके से करेंगे तो जल्दी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। पूरा क्वेश्चन यदि आपको ज़रूरत लगती है तो पढ़ सकते हैं, वैसे इन क्वेश्चंस को ट्रिक के साथ करना है कि कहाँ पर किस वर्ड की वहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है, और उसके लिए आपको बगल वाला वर्ड देखना है। जैसे यहाँ पर मैंने एक कीवर्ड पकड़ा एक्शन, ठीक है, और मैंने आपको बताया कि एक्शन के साथ केवल डिसिप्लिनरी वर्ड ही आ सकता है। तो इस तरीके से करते हैं इन क्वेश्चंस को, तो पूरी एक्यूरेसी के साथ आप 4 या 5 सेकेंड में इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से आप कर सकते हैं और हाई स्कोर आप एग्जाम्स में ला सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इसमें भी डबल फिलर है। वी ऑल्सो नीड टू मार्केट डिजाइन, अब वी ऑल्सो नीड टू मार्केट डिजाइन फॉर डोमेस्टिक एलपीजी कंपीट विथ नॉर्म्स फॉर शेयरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सप्लाई एंड स्टोरेज। मार्केट डिजाइन, यहां पर कीवर्ड है मार्केट डिजाइन। मार्केट डिजाइन को हमें क्या करना है, वी नीड टू, हमें जरूरत है मार्केट डिजाइन को करने की, लेकिन मार्केट डिजाइन के साथ हमें क्या करना है, जो एलपीजी है उसके साथ हमें क्या करना है। अब देखिए इसमें क्या आ सकता है, यहां पर आपको क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, क्योंकि टू लगा हुआ है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो डिसरेगार्ड तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, हालांकि इसका यूज हो सकता है वर्ब की तरह भी, ठीक है। डिस्टिंक्ट वर्ब नहीं है, परवर्ट वर्ब है, डेरिलिक्ट, डेरिलिक्ट का मतलब होता है जैसे खंडर जो होता है उसको हम बोलते हैं, डेरिलिक्ट नहीं आएगा यहाँ पर। देखिए अब इतने सारे वर्ड आपने हटा दिए, परवर्ट का मतलब डिस्टॉर्ट करना होता है, तो मार्केट डिज़ाइन को हम डिस्टॉर्ट तो करेंगे नहीं, ठीक है। मार्केट डिज़ाइन को हमको दोबारा से पुनः उसको बनाने की ज़रूरत है ताकि हम कंपटीशन के साथ उसको फेस कर सकें। वी ऑल्सो नीड टू रीवैम्प मार्केट डिज़ाइन, हमें मार्केट डिज़ाइन को पूरी तरीके से चेंज करने की ज़रूरत है फॉर डोमेस्टिक एलपीजी। कम्पीट विथ नॉर्म्स फॉर शेयरिंग बल्की इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सप्लाई एंड स्टोरेज, क्योंकि सप्लाई और स्टोरेज के लिए काफ़ी बल्की स्पेस उसमें ख़त्म होता है, तो इसलिए उसको हमें रीवैम्प करने की ज़रूरत है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बल्की हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यदि ये वर्ड आप लगाएंगे तो नहीं लगेंगे, इक्वली इंफ्रास्ट्रक्चर कोई सेंस नहीं बनेगा, क्वेश्चनेबली ये तो एडवर्ब है तो नाउन के साथ नहीं जाएगा ये, कर्सरी मतलब सुपरफिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई सेंस नहीं है, डेलिंक्वेंट होता है क्रिमिनल कोई सेंस नहीं है। तो दोनों में से कोई सा भी एक लिंक आपको मिल जाता है तो वहाँ पर आप पूरा 100% एक्यूरेसी के साथ इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा, इसमें आंसर होगा आपका सेकंड, एक में आएगा रीवैम्प और दूसरे में आएगा बल्कि, और दोनों ही वर्ड्स कंप्लीटली सूटेबल हैं दोनों ब्लैंक्स में। यहाँ पर इसका आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना है और होपफुली आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे। IBPS क्लर्क एग्ज़ाम की, IBPS क्लर्क एग्ज़ाम एक बहुत ही पॉपुलर एग्ज़ाम है और बहुत ही शानदार इसमें आपको एक बैंकिंग करियर मिलता है और सिंपल एग्ज़ाम होता है ये, बैंक PO लेवल का एग्ज़ाम नहीं होता है, इतना कठिन नहीं होता है, और इसमें केवल दो ही लेवल होते हैं, प्री और मेंस, उसके बाद सीधा अपॉइंटमेंट मिल जाता है। तो इस एग्ज़ाम की यदि आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से तैयारी करना चाहते हैं और इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए एक नया बैच, मैंने ऑनलाइन बैच 20 तारीख से मैं शुरू कर रहा हूँ, 20 अक्टूबर से उसमें क्लासेस शुरू होंगी,
उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, उसमें एडमिशन शुरू हो चुके हैं। और जो फर्स्ट 30 स्टूडेंट होंगे उन स्टूडेंट्स को इसमें अड्डा 247 की टेस्ट सीरीज़ भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। और इस कोर्स में आपको वोकेबलरी की ई बुक्स भी मिलेंगी, 894 रुपये की जो ई बुक्स हैं वो भी आपको इसमें प्रोवाइड की जाएंगी। तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इस कोर्स को तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं और घर पर रह के मोबाइल पर, लैपटॉप पर या पीसी पर आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से। और इसमें डेली क्लासेस अपलोड होते हैं, इसमें आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस भी मिलते हैं और डेली क्लासेस भी इसमें अपलोड होती हैं। हिंदू बूस्टर सीरीज़ इसमें आती है और आपके क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, आरसी, वोकेबलरी, सारे नए पैटर्न के क्वेश्चन इसमें कवर किए जाते हैं। तो इसको यदि आप पूरा रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता और 80-90% आप प्री और मेंस में स्कोर कर सकते हैं। इसमें हम पूरा करंट अफेयर्स भी आपको मेंस का पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसका फीस मैंने कम कर दिया, इसका फीस पहले ज़्यादा था लेकिन 1650 रुपये इस बैच के लिए इसका फीस रहेगा और 5 महीने की इसमें वैलिडिटी आपको मिलेगी। तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से इस कोर्स को, इस टारगेट बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सब्सिडाइज्ड केरोसिन अ सूटी प्री मॉडर्न फ्यूल एंड द पुअर सोर्स ऑफ लाइट नीड्स टू बी, देखिए यहाँ पर भी मैं लिंक बता रहा हूँ। जो केरोसिन ऑयल होता है, यहाँ पर दिया है केरोसिन ऑयल और यहाँ पर दिया है रिप्लेस। तो केरोसिन ऑयल को कितने लोग आज की तारीख में यूज करते हैं? बहुत कम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा अगर यूज करते भी हैं तो वो अपग्रेड करना चाहेंगे, यदि उनके पास रिसोर्सेज हो, उनके पास पैसा हो तो वो अपग्रेड करना चाहेंगे, केरोसिन को वो यूज़ नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आज की तारीख में कोई भी स्टोव और इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो केरोसिन, यहाँ पर एक वर्ड आया सूटी जिसका मतलब होता है गंदा या डल्टी, ठीक है। तो इसको क्या करने की ज़रूरत है? रिप्लेस्ड करने की ज़रूरत है, टू बी रिप्लेस्ड। अब यहाँ पर वर्ब तो पहले ही लगी है ऑलरेडी, रिप्लेस्ड का मतलब है कि वर्ब, तो मतलब यहाँ पर आपको क्या चाहिए? यहाँ पर आपको एडवर्ब चाहिए, क्योंकि वर्ब तो पहले लगी हुई है। और एडवर्ब कौन सा है इसमें? एडवर्ब केवल दो ही हैं, प्रॉम्प्टली और प्रेटिली। प्रेटिली का मतलब होता है सुंदर तरीके से, तो सुंदर तरीके का केरोसिन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपका आंसर होगा प्रॉम्प्टली एंड ह्यूजली, ठीक है। अब देखिए कैसे मैंने लिंक को पकड़ा, किस तरीके से क्वेश्चन को किया, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। इट नीड्स टू बी प्रॉम्प्टली रिप्लेस, मतलब इसको तुरंत रिप्लेस करने की ज़रूरत है, दूसरे जो बेटर और जो एडवांस वर्जन है, सोलर लैंटर्न है जैसे, जिससे उजाला होता है, ठीक है। तो ये इसमें बोला जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, इट शुड ह्यूजली इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, क्योंकि उसमें धुआं वगैरह निकलता है और अनहाइजेनिक होता है वो, तो इसलिए इट शुड ह्यूजली इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। तो सेकेंड वाला जो ऑप्शन है, सेकेंड वाले ऑप्शन में हम बोल रहे हैं कि इससे पब्लिक हेल्थ काफ़ी ज़्यादा, ह्यूजली मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होनी चाहिए। तो ये जो यहाँ पर ऑप्शन है, ये भी आपका इसमें सही हो रहा है। इस तरीके से करेंगे तो 4 से 5 सेकेंड में इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसका फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। देखिए, ये फ्रेजेज और इडियम्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये 2017 के क्लेरिकल के क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसमें एक पर्टिकुलर पार्ट या तो बोल्ड दिया रहेगा या इटैलिक में दिया रहेगा और इसका मीनिंग, इसका इक्विवेलेंट मीनिंग आपको बताना है कटिंग डाउन का। द कंपनी वॉज कीन एट कटिंग डाउन ऑन द एम्प्लॉय ओवरहेड्स इन ऑर्डर टू मेक द बिजनेस प्रॉफिटेबल, मतलब कंपनी चाहती थी, कंपनी कीन थी, कीन मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी कि एम्प्लॉय के जो ओवरहेड्स हैं, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं, उनको कम किया जाए ताकि बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाया जाए, ठीक है। यदि किसी भी एम्प्लॉय के, सारे एम्प्लॉयज़ के आप ओवरहेड कम करते हैं तो आपके खर्चे बचेंगे और बिजनेस को आप प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो कट डाउन का मतलब क्या होता है? कट डाउन का मतलब किसी चीज़ को घटाना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा रिड्यूस। स्पाइक का मतलब होता है इंक्रीज, इंश्योर निश्चित करना, एलोंगेट लंबा करना, एफिलिएट मतलब उससे जुड़ना। तो रिड्यूस यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, कट डाउन का इक्विवेलेंट जो वर्ड होगा वो होगा रिड्यूस। एक ये क्वेश्चन है, ये पूछा गया, इट वॉज डिफिकल्ट टू पुट अप विद द नेगिंग रिलेटिव्स ड्यूरिंग द ग्रोथ ईयर। ग्रोथ ईयर मतलब जब आप बड़े हो रहे होते हैं, जब आप अपना करियर की प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो उस समय कुछ रिलेटिव्स जो होते हैं वो नेगिंग होते हैं, वो आपको परेशान करते हैं, वो आपसे पूछते हैं क्या कर रहे हो, क्या बनना है आपको, डॉक्टर बनना है आपको, इंजीनियर बनना है, बहुत ज़्यादा आपसे नेग करते हैं मतलब आपसे वो चैंटते हैं, शुद्ध हिंदी में यदि मैं बोलूँ तो आपसे वो चैंटते हैं, ठीक है, आपको नेग करते हैं। तो उन लोगों को सहन करना बहुत मुश्किल काम होता है ग्रोइंग ईयर्स में, ठीक है।
तो इसलिए यहां पर पुट अप विथ का मतलब क्या है, मतलब पुट अप विथ का मतलब है सहन करना, तो इंड्यूर यहां पर आपका सही आंसर होगा। ठीक है, डेकोरेट मतलब सजाना, इशू करना, और आपका रिकोचेट, रिकोशे भी बोलते हैं इसको, इसका मतलब होता है एको, वापस आ जाना, प्रायोरिटाइज करना, तो यहां पर इसका सही आंसर होगा इंड्यूर। और इंड्यूर के स्थान पर इसमें टॉलीरेट यदि मिलता है तो वो भी सही होगा, और बियर अगर मिलता है, बी ई ए आर, बियर का मतलब भी सहन करना होता है, टॉलीरेट का मतलब भी सहन करना होता है, और इंड्योर का मतलब भी सहन करना होता है। तो यहाँ पर देखिए एग्जामिनर ने चालाकी से क्या किया है कि बियर और टॉलीरेट वर्ड नहीं दिए हैं, क्योंकि बियर और टॉलीरेट वर्ड नॉर्मली सभी स्टूडेंट्स को पता रहते हैं, वो थोड़े से कॉमन वर्ड है, तो अनकॉमन वर्ड डाला है ताकि आपकी इनडेप्थ नॉलेज यहाँ पर चेक हो सके। ठीक है, तो इंड्योर वर्ड दिया है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका होगा सी, इंड्योर, पुट अप विद। ठीक है, पुट अप अलग होता है, पुट अप विद अलग होता है, पुट अप का मतलब रहना होता है, कहीं पर रहना, पुट अप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन तो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कमिश्नर एडवाइज द फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव कौन होते हैं, जो भागे हुए लोग होते हैं, फरार जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं फ्यूजिटिव्स। तो कमिश्नर एडवाइज द फ्यूजिटिव्स टू टर्न इन देमसेल्फ टू गेट सम लीगल रिस्पाइट। रिस्पाइट का मतलब होता है राहत, लीगल रिस्पाइट मतलब कानूनी राहत। तो कमिश्नर फ्यूजिटिव से बोल रहा है, कमिश्नर फ्यूजिटिव से बोल रहा है कि आपको हम कुछ लीगल रिस्पाइट दे सकते हैं यदि आप इस काम को कर दें। ठीक है, कमिश्नर एडवाइज द फ्यूजिटिव टू टर्न इन देमसेल्फ टू गेट सम लीगल रिस्पाइट। अब यदि आप कॉमन सेंस अप्लाई करें तो आप इस टर्न इन का मतलब लगा सकते हैं, यदि आपको इसका मतलब पहले से नहीं भी पता तो भी कॉन्टेक्स्ट देख के इसका मतलब आप निकाल सकते हैं। तो टर्न इन का मतलब क्या है कि कमिश्नर फ्यूजिटिव से बोल रहा है कि आप अपने आप को सरेंडर कर दो, हम आपको कुछ लीगल रिस्पाइट, कुछ कानूनी राहत हम दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ई, मतलब सरेंडर। ठीक है, लेसन का मतलब होता है कम करना, घटाना किसी चीज को, लेसन। ये लेसन नहीं है, पाठ वाला जो लेसन होता है, चैप्टर वाला जो लेसन, वो नहीं है, ये लेसन है। लेसन मतलब कम करना। एक्सेंचुएट मतलब किसी चीज को एम्फेसाइज करना। रिटार्ड मतलब पीछे हटना या डिले करना या कमजोर होना, जैसे मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन होते हैं। लिबरेट मतलब फ्री करना। सरेंडर मतलब आत्मसमर्पण करना। तो ई इसमें सही आंसर आपका होगा। आई होप आपको ये समझ में आया हुआ अच्छे तरीके से। और अनिकेत वॉज विलिंग टू गो ओवरबोर्ड फॉर रिसीविंग अ स्कॉलरशिप टू परसू हायर एजुकेशन ओवरसीज। अनिकेत ओवरसीज जाके, विदेश जाके हायर एजुकेशन को परसू करना चाहता था, और इसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। गो ओवरबोर्ड, देखिए गो ओवरबोर्ड का यदि आपको मतलब भी नहीं भी पता तो भी यदि आप रेगुलर रीडिंग करते हैं तो यहाँ पर इसका मतलब आप कॉन्टेक्स्ट को देख के निकाल सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट को देख के इसका मतलब ये निकल रहा है कि वो ओवरसीज विदेश जाके पढ़ाई करने के लिए कुछ भी कर सकता था। हालांकि गो ओवरबोर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक होना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना उस चीज़ को करने के लिए, गो ओवरबोर्ड। लेकिन अब देखिए यहाँ पर एग्जामिनर ने थोड़ा सा फिर से अपना दिमाग लगाया है और यहाँ पर एक्साइटेड का इक्विवेलेंट वर्ड नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब होगा कि अपने आप को वो किसी भी हद तक जा सकता है, वो विदेश में पढ़ाई करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। गो ओवरबोर्ड का मतलब यहाँ पर ये निकल रहा है, और इसका इक्विवेलेंट जो मतलब निकलेगा वो निकलेगा स्ट्रेच से। स्ट्रेच यहाँ पर सही वर्ड होगा, क्योंकि रिमूव का मतलब तो हटाना है, इनकर मतलब किसी चीज़ को झेलना या भुगतना, किसी खर्चे को भुगतना, जैसे इनकर लॉसेस या इनकर एक्सपेंसेस। लिक्विडेट, किसी कंपनी को बंद कर देना, बेच देना, उसको हम बोलते हैं लिक्विडेट। ठीक है, इनहेंस मतलब बढ़ाना। तो स्ट्रेच यहाँ पर इक्विवेलेंट वर्ड है। देखिए यहाँ पर एग्जामिनर ने काफ़ी कॉमन सेंस अप्लाई किया, काफ़ी ट्रिक अप्लाई की है कि इंथुजियास्टिक वर्ड यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि एग्जामिनर जो क्वेश्चन देता है वो काफ़ी ट्रिकी तरीके से तैयार करता है। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। द सेंट्रल बैंक वॉज ऑफ द आइडिया दैट इट वॉज नॉट सूटेबल टू बेल आउट द एलिंग कोऑपरेटिव्स। एलिंग का मतलब क्या है? एलिंग का मतलब है जो व्यक्ति बीमार है या जो वस्तु बीमार है। वस्तु इन द सेंस कि कंपनी कोई बीमार हालत में है, मतलब उसकी फाइनेंशियल पोजिशन सही नहीं है। तो जो व्यक्ति बीमार होगा, जो वस्तु बीमार हालत में होगी, जो कंपनी बीमार हालत में होगी, उसको आप क्या करेंगे, उसके साथ आप क्या करना चाहेंगे, उसको आप अच्छा करना चाहेंगे या उसको सेव करना चाहेंगे, उसको आप बचाना चाहेंगे। तो यहाँ पर बेल आउट का यदि मतलब आपको नहीं भी पता तो भी कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इसका मतलब आप निकाल सकते हैं कि सेंट्रल बैंक वॉज ऑफ द आइडिया
कि सेंट्रल बैंक का ये आइडिया था कि इट वॉज नॉट सूटेबल, कि ये सूटेबल नहीं है कि हम एलिंग कंपनीज को, एलिंग कॉपरेटिव्स को रेस्क्यू करें या उनको बेल आउट करें, उनको बचाएं। कभी कभी कोई कंपनी बीमार हो जाती है तो दूसरी कंपनी आके उसको टेक ओवर करती है या उसमें पैसा लगाती है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बेल आउट। गवर्नमेंट भी ऐसा करती है, उसको हम बोलते हैं बेल आउट प्रोसेस। तो यहां पर इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा रेस्क्यू, उसको बचाना, उसको बचाना नॉट इन द फिजिकल सेंस, उसको बचाना कि कंपनी को बंद होने से बचाना, ठीक है। तो इस तरीके से इनके आंसर्स आते हैं। रिवर्स मतलब उल्टा, एंटरटेन मतलब मनोरंजन या किसी चीज़ को मानना, ऑल्टर मतलब किसी चीज़ को बदलना, डिपार्ट मतलब कहीं से निकल जाना, तो इसको हम रेस्क्यू बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द ट्रबल, देखिए ये एक अलग तरीके का क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और फर्स्ट पार्ट इसका करेक्ट है, ठीक है। बाकी के पार्ट में एक और पार्ट है जो कि करेक्ट है, वो आपका आंसर होगा। बाकी के तीन मतलब चार में से तीन जो हैं इसमें गलत होंगे और एक पार्ट इसका सही होगा। मतलब ये फर्स्ट पार्ट पहले से ही सही है, बाकी एक पार्ट और सही आपको निकालना है। द ट्रबल विथ मेंटल इलनेस आर नहीं होगा, इज होगा, तो ये गलत हो गया। दैट इट इज रेयरली डायग्नोस्ड, लेटर लिखा है यहाँ पे, लेकिन ये लेटर होना चाहिए, लेटर देन होता है, लेटर देन इट शुड सूटेबली बी। तो यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब क्या है? द ट्रबल विथ मेंटल इलनेस इज, मेंटल इलनेस के साथ ट्रबल ये है कि दैट इट इज रेयरली डायग्नोस्ड, ये कभी कभार ही डायग्नोज हो पाती है, लेटर देन इट शुड सूटेबली बी। जिस समय इसका डायग्नोसिस होना चाहिए उस समय डायग्नोसिस नहीं होती और ये बाद में डायग्नोसिस होती है। तो ऐसा कभी कभार नहीं होता, ऐसा हमेशा होता है, ये चीज कभी कभार नहीं होती, जैसा कैंसर में होता है कि हम बाद में उसको डायग्नोस करते हैं। तो यहां पर मुझे लग रहा है कि ये रेयरली जो वर्ड है ये गलत है, यहां पर इसकी जगह ऑलवेज होना चाहिए इसमें, ठीक है। और इसमें ये वाला पार्ट गलत, ये वाला पार्ट सही है, इट शुड सूटेबली बी, बाकी सारे पार्ट गलत हैं, लेटर की जगह लीटर होना चाहिए इसमें। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा आपका डी। एक ये क्वेश्चन देते हैं, रिकरेंस ऑफ स्कैम्स। रिकरेंस ऑफ स्कैम्स मतलब स्कैम्स का बार बार होना, घोटालों का बार बार होना, उनका रिकर होना, उनका बार बार होना, ठीक है। रिकरेंस ऑफ स्कैम्स इन द रीसेंट डिकेड्स कैन बी क्रेडिटेड, ये सही है, ये सही है। इसमें डिकेड्स कैन बी क्रेडिटेड के बाद टू आएगा, बाय नहीं आएगा, कैन बी क्रेडिटेड टू द इंक्रीजिंग नहीं आएगा यहाँ पर। कैन बी क्रेडिटेड टू वॉट, कैन बी क्रेडिटेड टू वॉट, वॉट का आंसर हमेशा नाउन होता है, तो इसका इसको आपको नाउन फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, तो इंक्रीज यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इंक्रीज नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। कैन बी क्रेडिटेड टू द इंक्रीज, ये गलत है। इन द ब्यूरोक्रेटिक लिनियंट नहीं होगा, ब्यूरोक्रेटिक लिनियंसी होगा ये, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक क्या है, एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद यहाँ पर आपको नाउन लगाना पड़ेगा। लिनियंस, लिनियंट का नाउन फॉर्म लिनियंसी है। तो इसमें आई थिंक इन द रीसेंट सही है, ठीक है, बाकी सारे पार्ट गलत हैं। देखिए कैन बी क्रेडिटेड, यहाँ पर टू आएगा, यहाँ पर इंक्रीज आएगा और यहाँ पर लिनियंसी आएगा। तो एक ये पार्ट सही है, बाकी ये पार्ट तो जो फर्स्ट पार्ट है वो पहले से ही सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इन द रीसेंट इसका आंसर आपका होगा। तो इस तरीके से मैंने 12 क्वेश्चन इसमें आपको एक्सप्लेन किए हैं। ये आपके रियल क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन पूछे गए थे IBPS क्लर्क एग्ज़ाम 2017 में। इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने बैंक PO एग्ज़ाम के भी लिए हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चंस। और यदि आप IBPS क्लर्क एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा ऑनलाइन टारगेट बैच, जो नया बैच है, जो फ्रेश बैच है, वो 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। उसका यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। और यदि कोई सी भी टेस्ट सीरीज अड्डा 247 की आप डिस्काउंटेड प्राइस पर लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं और वहाँ पर मैं आपको उसका लिंक भेजूंगा। उस लिंक के थ्रू आप परचेज कर सकते हैं और आपके पास लिंक चला जाएगा उसका, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ का, आपके मेल पर, ठीक है। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।